नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी सुरभिचार का दूसरा पाठ बूढ़ा गिद्ध समझा था। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। मित्रों, सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, वही आपको नोटबुक में लिखने हैं। हमने पहले चैप्टर का के कठिन शब्द नहीं लिखवाए थे, तो उस चैप्टर में कहीं जगह बची हो तो वहाँ प्रथम चैप्टर के कठिन शब्द लिख लीजिएगा। आगे है श्रुत लेखन, उसमें है गिद्ध, निर्वाह, ब्रह्मचारी, अतिथि, बिलाव, बुद्धिमान, धर्मात्मा, हड्डिया, अनुमति, सत्कार। आगे है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों में पहला है गिद्ध कहाँ रहता था, तो उसका आंसर है गिद्ध वृक्ष पर बने कोटर में रहता था। दूसरा प्रश्न है पक्षियों के बच्चों की देख रेख कौन करता था, तो जवाब है पक्षियों के बच्चों की देख रेख गिद्ध करता था। आगे है किसे आता देख पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए, तो बच्चों बिलाव को आता देख पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए। चौथा प्रश्न है शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, जवाब है शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसा का है। अहिंसा यानी किसी को हानि न पहुंचाना। फिर है सही गलत, इसमें है ऑप्शन आए हैं, ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वही मैंने लिखे हैं। पहला है गिद्ध कहाँ रहता था, तो जवाब है 3 नंबर का, वृक्ष की कोटर में। फिर दूसरा है बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया, तो उसका जवाब 4 नंबर का है, धर्म कर्म की बातों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने। तीसरा है उचित सामग्री न होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, जवाब 3 नंबर का है, मीठी वाणी बोलकर। चौथा है अतिथि को क्या माना गया है, तो अतिथि को 3 नंबर देवता माना गया है। फिर है बिलाव क्या करता था, तो उसका जवाब है 4 नंबर का, पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में रख देता था। फिर पाठबोध। पाठबोध में पहला है किसने कहा क्यों कहा, इसमें हमें वाक्य दिया गया है, वो वाक्य किसने कहा है और क्यों कहे है वही हमको बताने है। पहला वाक्य है समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए, तो यह वाक्य है वो बिलाव ने स्वयं को गिद्ध से बचाने के लिए कहा। जब गिद्ध ने कहा कि बिलाव तुम दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, तब बिलाव ने खुद को बचाने के लिए यह वाक्य बोला था। फिर है इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, गिद्ध ने बिलाव को यह बताने के लिए कहा कि पक्षियों के बच्चे उसकी देख रेख में है। आगे है अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है, तो बिलाव ने यह गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा। आगे है वाक्य पूरे कीजिए, ये है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहलू है वृक्ष पर बने एक खाली जगह में एक गिद्ध रहता था, तो वहाँ पे आएगा कोटर। फिर दूसरा है गिद्ध पक्षियों के बच्चों की खाली जगह कर दिया करता था, तो उसमें आएगा देख रेख। फिर है भय से तब तक खाली जगह नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए, तो वह आएगा भयभीत।
फिर है घर में आए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। आगे है आपको कौन कैसा लगा, प्रत्येक के बारे में चार वाक्य लिखिए। तो मित्रों इसमें तीनों के बारे में चार चार वाक्य लिखने हैं। पहला है गिद्ध, मैंने अपनी तरह से इसमें वाक्य लिखे हैं, आपको कोई दूसरा वाक्य जो उचित लगे वो भी लिख सकते हैं। गिद्ध में आएगा, गिद्ध एक समझदार पक्षी था, वह अन्य पक्षियों के बच्चों की देखरेख करता था, वह बिना समझे बूझे किसी पर भी विश्वास कर लेता था, उसने एक ध्रुत बिलाव पर विश्वास करके अपनों सर्वनाश कर लिया। आगे है बिलाव, बिलाव एक मांसाहारी पशु था, वह बहुत ध्रुत तथा चालाक था, उसने पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बनाने के लिए गिद्ध से धर्म कर्म की बातें की, उस पर अपना विश्वास बनाया। तीसरा है पक्षी, पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन गिद्ध को देते थे, उसके बदले वह दिन भर पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था, पक्षियों का स्वभाव स्वार्थी था। जब गिद्ध के क्वार्टर में पक्षियों के बच्चों की हड्डियां मिली तो पक्षियों ने उसे चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया। आगे है प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बूढ़े और कमजोर गिद्ध को भोजन कैसे मिलता था? तो बच्चों इसका जवाब है, बूढ़े और कमजोर गिद्ध को उसी पेड़ पर रहने वाले पक्षियों से भोजन मिलता था। दूसरा है, गिद्ध को देखकर बिलाव क्यों डर गया? क्योंकि वह जानता था कि गिद्ध के रहते पक्षियों के बच्चों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए गिद्ध को देखकर बिलाव डर गया। तीसरा है, बिलाव ने गिद्ध को अपने बारे में कैसे विश्वास दिलाया? बिलाव ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर गिद्ध से धर्म कर्म की बात कर धर्म को प्राणी का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताकर गिद्ध को अपने बारे में विश्वास दिलाया। फिर चौथा प्रश्न है, बिलाव वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था? तो उसका जवाब है, बिलाव वृक्ष के समीप पक्षियों के बच्चों को खाने के उद्देश्य से आया था। आगे का प्रश्न है, पक्षियों को बूढ़े गिद्ध को क्यों मार डाला? उसका जवाब है, गिद्ध के क्वार्टर में पक्षियों के बच्चों की हड्डियां मिली, जिससे पक्षियों ने सोचा उसके बच्चों को गिद्ध ने खाया है, इसलिए पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को मार डाला। आगे का प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना विचारे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं की हानि यानी कि स्वयं का नुकसान होता है। फिर है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। इसमें एक वाक्य लिखा गया है, वह सही है तो हाँ लिखना है, सही नहीं है तो नहीं लिखना है। पहला वाक्य है, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित सत्कार किया जाना चाहिए। तो मित्रों ये इसका जवाब होगा हाँ। दूसरा है, मुश्किल परिस्थिति में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए। तो मित्रों इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति में भयभीत होकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। फिर है, कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे ले लेना चाहिए। तो मित्रों इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोच समझ कर लेना चाहिए। चौथा है, शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है,
तो इसका जवाब हाँ होगा। फिर अगला है, हमारे देश में अतिथि को क्या, अतिथि को देवता के समान माना गया है, इसका जवाब हाँ होगा। फिर है पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। पाठ्यांश यानी पाठ में से एक अंश या एक पैराग्राफ या एक फकरा लिया जाता है और उस पैराग्राफ में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों के हमें उसी पैराग्राफ या फकरे में से जवाब देने होते हैं। पाठ्यांश यानी पाठ का एक छोटा अंश। तो हम यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्यांश दिया गया है उसके नीचे जो प्रश्न है उसके जवाब मैंने लिखे है। पहला है, घर आए शत्रु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका जवाब होगा घर आए शत्रु का भी हमें उचित आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। फिर है, मैं नित्य पूजा पाठ करता हूँ, यह कथन किसने किससे कहा। तो मित्रों यह कथन बिलाव ने गिद्ध से कहा क्योंकि उसे गिद्ध को अपने आप पर विश्वास दिलाना था। फिर है, हम किन व्यक्तियों पर भरोसा कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जवाब है हम विद्वान धर्मात्मा और ज्ञानी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आगे है, पाठ्यांश में मेहमान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों इसका जवाब होगा अतिथि। फिर है भाषा से, भाषा से में व्याकरण का विषय आता है। पहला है, शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। यहाँ पे पुरलिंग रूप लिखे हैं, हमें स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। पहला है बिलाव, तो बिलाव का स्त्रीलिंग होगा बिल्ली। फिर है शेर, तो शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। फिर है भालू, तो बच्चों भालू का स्त्रीलिंग मादा भालू होता है। फिर आगे है हाथी, हाथनी का स्त्रीलिंग हथनी होगा। फिर है हंसनी, हंस, तो उसका स्त्रीलिंग हंसनी होगा। फिर आगे है उल्लू, तो उल्लू का स्त्रीलिंग मादा उल्लू होगा। बच्चों आगे है, शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग बताइए। तो हमें जो शब्द दिए गए उसका वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें उसके बारे में एक प्रश्न पूछना चाहिए, जो शब्द होता है उस पर हम प्रश्न पूछे कैसा या कैसे है तो वह शब्द पुल्लिंग होगा। अगर उस शब्द के बारे में हम प्रश्न पूछे कैसी है तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा। जैसे पहला है नदी, तो हम पूछेंगे नदी कैसी है, तो कैसी आया इसलिए यह स्त्रीलिंग होगा। फिर है पर्वत, तो पर्वत के बारे में हम पूछेंगे पर्वत कैसा है, तो इसलिए पुल्लिंग आया। फिर है वृक्ष, तो हम पूछेंगे वृक्ष कैसा है, इसलिए यह शब्द पुल्लिंग है। फिर आगे है अतिथि, इसमें आएंगे अतिथि कैसे है, तो कैसे आया इसलिए यह शब्द पुल्लिंग होगा। फिर है नाखून, तो फिर नाखून कैसे है यह पूछने पर पता चलेगा कि यह पुल्लिंग है। फिर आगे है रोशनी, तो रोशनी के बारे में हम वाक्य बनाए तो रोशनी कैसी है, तो कैसी है आया इसलिए स्त्रीलिंग होगा। फिर आगे पक्षी है, तो पक्षी कैसे है ऐसा बोलेंगे इसलिए ये पुल्लिंग होगा। फिर है छाया, तो वृक्ष की छाया कैसी है ऐसा पूछेंगे तो ये स्त्रीलिंग होगा। आगे है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, वृक्ष पर अनेक पक्षी है, तो यह है उसमें अनुस्वार नहीं है पर अनेक है, अनेकाया यानी बहुवचन होगा इसलिए यहाँ पे अनुस्वार आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे अनुस्वार करेंगे। आगे है, आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हो, तो बच्चों यह ज्ञानी हो नहीं आएगा बल्कि ज्ञानी है और यह अनुस्वार इसलिए आया क्योंकि बड़े धर्मात्मा है और ज्ञानी है इसलिए हमें उसको सम्मान देना चाहिए। सम्मान या मान देते वक्त वाक्य में है आएगा तो उस पे अनुस्वार आएगा। आगे है, मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करनी चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे आएगा मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करना
चाहिए। फिर है वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की हड्डियां गिद्ध के क्वार्टर में डाल देता। तो बच्चों यहाँ पे नहीं आएगा, वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की हड्डियां नहीं आएगा, क्योंकि पक्षी तो जिंदा थे, मरे हुए पक्षी नहीं थे, बल्कि पक्षियों के जो मरे हुए बच्चे थे उसकी हड्डियां गिद्ध के क्वार्टर में डाल देता था। इसलिए हम वाक्य फिर से लिखेंगे तो यह वाक्य बनेगा, वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां गिद्ध के क्वार्टर में डाल देता था। आखिरी एक्सरसाइज है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरोधी शब्द लिखिए। हम जब विरोधी शब्द लिखते हैं तो बीच में ये निशानी आती है, जैसे क्रोध, क्रोध का विरोधी क्षमा होगा। फिर पास, पास का विरोधी दूर। बुद्धिमान का विरोधी मूर्ख। अनजान का विरोधी परिचित। बूढ़ा का विरोधी जवान। इच्छा का विरोधी अनिच्छा। उचित का विरोधी अनुचित। ज्ञानी का विरोधी अज्ञानी होगा। तो मित्र यहाँ हमारे चैप्टर 2 बूढ़ा गिद्ध का स्वाध्याय पूर्ण होता है। ये स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है बुधवार तक।